अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आपने भी अपना YouTube अकाउंट बनाया है या आपने पहले से बनाया हुआ है और आप अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं और चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 व्यूअर्स की ज़रूरत होती है, जो कि काफ़ी मेहनत से करना पड़ता है। और इतनी मेहनत से ये काम करने के बावजूद जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है और उसके बाद हमारा चैनल खुदा न खास्ता हैक हो जाए, हमारा डेटा चोरी हो जाए, तो फिर हम क्या करें? फिर तो बड़ी परेशानी होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube अकाउंट को कैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि 2023 में YouTube ने एक नया ऑप्शन दिया हुआ है। जब उस ऑप्शन को हम ऑन कर देते हैं तो हमारा डेटा कोई भी चोरी नहीं कर सकता, हमारे अकाउंट को कोई भी हैक नहीं कर सकता और ना तो कोई हमारा डेटा चोरी कर सकता है। तो कौन सा वो ऑप्शन है? तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर चलने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दे दिया जाए। सबसे पहले आपने YouTube स्टूडियो में आ जाना है। मैंने अपना YT स्टूडियो क्रोम से इंस्टॉलेशन किया हुआ है। आपने क्रोम में जाना है और yt.studio.com लिखना है, आपका YT स्टूडियो खुल जाएगा। अभी मेरा YT स्टूडियो ओपन होने वाला है, थोड़ी सी सर्चिंग लगी। हाँ, मेरा YT स्टूडियो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट, इस पर क्लिक कर दें। हमारा जो YT स्टूडियो है वो डेस्कटॉप साइड मोड में लग जाएगा। अभी आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलने को मिलेगा टर्न ऑन, वे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इनहेंस ब्राउजिंग फीचर, और ये जो नीचे ऑप्शन है इसको ऑन कर दें। अभी मेरा सर्चिंग लगी हुई है, मैंने ऑन कर दी है। अभी आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर टर्न ऑन, इस पर ऑन कर देना है। जब इसको ऑन करेंगे हम तो हमारा जो अकाउंट है बिल्कुल सेफ हो जाएगा।